हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लक में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमेंट के इसमें सिलेबस क्या होने वाला है दोस्तों, पीईटी एंड पीएसडी, इसके लिए सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और साथ ही साथ लाइक को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब कर रहे हैं के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो वीडियो बढ़ते हैं और वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर आधा देख के अगर स्किप करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोग को पहले ही बताना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका है दोस्तों, सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेनमेंट दोस्तों देख सकते हो। तो इसके लिए पहले आप लोग को रिटन टेस्ट के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, उसके बाद आप लोग को फिजिकल पीटी पीएसटी के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा दोस्तों। रिटन टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट के लिए आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, इसमें आप लोग को टोटल 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क ही मिलेगा, इसमें 1 क्वेश्चन में 1 मार्क आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। इसके लिए आप लोग को दोस्तों मल्टीपल टाइप होगा दोस्तों, 4 में ए बी सी होगा दोस्तों, इसी तरह आप लोग को करेक्ट आंसर चूज द मल्टीपल ऑप्शन होगा। तो इसके लिए सिलेबस आप लोग को रहेगा दोस्तों, देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क ही मिलेगा दोस्तों। नंबर बी में दोस्तों देख सकते हो जनरल नॉलेज एंड एवरेज टेस्ट में आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क ही मिलेगा। बात आती है दोस्तों एलिमेंटरी मैथमेटिक्स में आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 भी मिलेगा आप लोग को। नंबर डी भी आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑप्शनल आप लोग को मिलेगा इंग्लिश एंड हिंदी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें भी 25 क्वेश्चन आएगा, 25 ही मिलेगा। टोटल टाइम मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटा आप लोग को टाइम मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन इसमें पेनल्टी है दोस्तों, इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, नेगेटिव में आप लोग को देखने को मिलेगा 0.25 है आप लोग को नेगेटिव मार्क है, अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आप लोग को 0.25 मार्क ही मिलेगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग को दोस्तों देख सकते हो सीवी कंडक्टेड आप लोग को क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा हिंदी एंड इंग्लिश में आप लोग को भाषा में वेडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बात आती है दोस्तों इस पर आप लोग को देख सकते हो सारी जानकारी क्या क्या है। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों इसके पीईटी एंड पीएसटी के बारे में चलते हैं दोस्तों। पीईटी एंड पीएसटी में आप लोग को दोस्तों देख सकते हो मेल के लिए हाइट में दोस्तों देख सकते हो, हाइट भी आप लोग को मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना जरूरी, लेकिन इसमें थोड़ा रिलेक्शन हाइट रिलेक्शन आप लोग को मिलने वाला है दोस्तों। तो क्या है हाइट रिलेक्शन आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, हाइट रिलेक्शन ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब, अगर एसटी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो मेल के लिए आप लोग को 162.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर अगर एसटी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो तो दोस्तों। बात आती है दोस्तों इसमें नंबर बी में दोस्तों ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ एंड, जो लोग नॉर्थ ईस्ट में अगर बिलोंग कर दिया तो मेल के लिए आप लोग को 157 है और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। नंबर सी में दोस्तों देख सकते हो ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एसटी में आप लोग को अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में अगर बिलोंग करते हो दोस्तों, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में अगर बिलोंग करते हो तो मेल के लिए 160 फीमेल के लिए 147 है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर डी में दोस्तों देख सकते हैं कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज, इसमें अगर इस भाषा में अगर इस स्टेट में अगर बिलोंग करते हो तो आपको मेल के लिए 165 फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में अगर बिलोंग करते हो तो 162.5 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं नंबर एफ में दोस्तों कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बिलोंग करते हो तो इस पर आप लोग को सारी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस बिलोंग में करते हो तो 157 मेल के लिए दोस्तों और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें चेस की बात करेगा तो दोस्तों नॉर्मल में आप लोग को सिर्फ चेस आप लोग को मेल ही होगा दोस्तों, मेल कैंडिडेट ही चेस माफिया जाएगा मेजरमेंट कराया जाएगा, फीमेल के लिए दिया तो दिन है दोस्तों कोई चेस नहीं दोस्तों। नॉर्मल में आप लोग को 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है और मिनिमम एक्सपेंशन करना है दोस्तों 5 cm आप लोग को फुलाना है दोस्तों। बात आती है दोस्तों आप लोग को भी चेस रिलेक्शन में भी मिलता है दोस्तों, दोस्तों ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब में अगर आप लोग को देखने को मिलेगा 76 होने से भी आप लोग को चला जाएगा जो, और एक्सपेंशन करना है आप लोग को 5 एक्सपेंशन करना है दोस्तों सिर्फ ये एसटी के कैंडिडेट कैटेगरी के लिए दोस्तों। बात आती है दोस्तों नंबर बी में दोस्तों देख सकते हो कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज, अगर इस कैटेगरी में अगर बिलोंग करते हैं दोस्तों मेल के लिए 78 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन करना है फुलाना है दोस्तों 5 cm आप लोग को फुलाना है दोस्तों। दोस्तों इस पर आप लोग को नंबर सी में दोस्तों देख सकते हो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटरी, अगर
इस डे में अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आपका सब डिविजन है तो आप लोग को 77 नॉर्मल में और एक्सपेंसर करना है 5 आप लोग को एक्सपेंसर कराना है फुलाना है दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों इस पर भी आप लोग को सारी आप लोग को आपका डिस्ट्रिक्ट आपका सब डिविजन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग को दोस्तों आप लोग को पीटी हो गया तो पीएसटी हो गया दोस्तों, अभी पीएटी बाकी है दोस्तों। रनिंग आप लोग को क्या क्या होगा दोस्तों, रनिंग में आप लोग को अलग अलग से आप लोग को रनिंग होगा दोस्तों देखने को मिलेगा। नंबर दोस्तों देख सकते हो ट्रेड पोस्ट हिसाब से आप लोग को रनिंग करा जाएगा दोस्तों, अलग अलग से आप लोग को रनिंग भी करा जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपका किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें आप लोग को देख लेना दोस्तों। कॉन्स्टेबल ड्राइवर, कॉन्स्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल, कॉन्स्टेबल गार्डनर, कॉन्स्टेबल पेंटर, कॉन्स्टेबल कारपेंटर, कॉन्स्टेबल ब्रास बैंड, कॉन्स्टेबल पाइप बैंड, कॉन्स्टेबल कॉपलर, कॉन्स्टेबल टेलर, टेलर के लिए आप लोग का 5 KM आप लोग को रनिंग करना होगा दोस्तों विद इन 24 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और फीमेल के लिए दोस्तों 1.6 किलोमीटर आप लोग को 3.8 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा फीमेल अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों इसमें आप लोग को फ्री मार 4 कैंडिडेट अदर कैटेगरीज जो लोग लद्दाख रीजियन में बिलोंग करते हैं तो उन लोग के लिए तो अलग है। तो दोस्तों इस पर फिर से आप लोग को दोस्तों देख सकते हो उसका साथ साथ दोस्तों इस पर भी है टेलर के साथ इसका कॉपलर भी है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो इस पर आप लोग को जो लोग फिर से देखने को मिलेगा कॉन्स्टेबल कुक, वाटर कैरियर, कॉन्स्टेबल बार्बर, कॉन्स्टेबल हेयर ड्रेसर, कॉन्स्टेबल वाशरमैन, कॉन्स्टेबल वाशर वोमेन, कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोग का रनिंग होगा दोस्तों 1600 मीटर आप लोग को रनिंग होगा दोस्तों 1.6 KM आप लोग को रनिंग होगा दोस्तों सिर्फ 1600 मीटर आप लोग को विद इन आप लोग को 10 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों 10 मिनट में आप लोग को दोस्तों 1600 मीटर आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों सिर्फ ये पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए दोस्तों 1600 मीटर 1600 मीटर इस पोस्ट के लिए। और फीमेल के लिए दोस्तों 1600 मीटर आप लोग को 12 मिनट में आप लोग को 12 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों इस पोस्ट फिर से आप लोग को दोस्तों देख सकते हो कॉन्स्टेबल रेस्टोरेंट, कॉन्स्टेबल प्लम्बर, कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रिशियन में अगर अप्लाई करें तो पोस्ट में 1600 मीटर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो मेल के लिए 9 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और फीमेल के लिए तो रनिंग डील है इसमें कोई रनिंग नहीं है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देख सकते हो फॉर पायनियर यू में वीक में आप लोग को दोस्तों देख सकते हो कॉन्स्टेबल मेसन, कॉन्स्टेबल प्लम्बर, कॉन्स्टेबल इलेक्ट्रिशियन में आप लोग को मेल के लिए आप लोग को 800 मीटर आप लोग को विद इन 5 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस आप लोग को किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। इस पर अलग अलग से उन लोग सब 5K भी रनिंग नहीं होगा दोस्तों, अलग अलग से पोस्ट वाइज से आप लोग को रनिंग करा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही है दोस्तों, अगर वेट की बात करेंगे तो वेट तो आप लोग को पता होगा दोस्तों आप लोग को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आप लोग को किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों इस पर आप लोग को सारी देखने को मिलेगा। ट्रेड टेस्ट में आप लोग को क्या क्या लिया जाएगा दोस्तों, ट्रेड टेस्ट में आप लोग को टोटल फुल मार्क होगा दोस्तों 50 नंबर होगा दोस्तों, और मिनिमम क्वालिफाइड आप लोग को 20 मार्क आप लोग को 5 मार्क है दोस्तों देखने को मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं इसमें आप लोग का ट्रेड टेस्ट आप लोग को क्या क्या आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा इस पर आप लोग को सारी देखने को मिलेगा। अगर ड्राइवर में अगर अप्लाई करें तो दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट हम लोग लिया जाएगा, उसके बाद हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट हैवी व्हीकल्स अब एक्सेट्रा भी आप लोग को लिया जाएगा दोस्तों। फिटर पोस्ट में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ टूल्स एक्सेट्रा भी आप लोग को लिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को आपको हिसाब से किस ट्रेड में अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको देख लेना दोस्तों। अगर कुक में अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों आप लोग को क्या क्या कुक में होगा दोस्तों, कुक ऑफ चपाती राइस, चपाती आप लोग को कैसे बनाता है और राइस कैसे कैसे बनाता है, वेजिटेबल कैसे बनाते हैं, दाल सांबार आप लोग को कैसे बनाता है आप लोग को इस तरफ से आप लोग को पूछा जाएगा। मीट, फिश, एग, खीर आप लोग को कैसे पका जाता है आप लोग को ये आप लोग को पूछा जाएगा। तो आपको हिसाब से आप लोग को देख लेना। बार बार में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों हैंडलिंग ऑफ टूल, हेयर कटिंग, हेयर कैसे काटता है आप लोग को, मालिश कैसे जाता है आप लोग को वाला आप लोग को पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें आप लोग को देख लेना दोस्तों। सफाई कर्मचारी में अगर अप्लाई करें तो दोस्तों देख सकते हो ओपन एरिया आप लोग को कैसे क्लीनिंग करता है, टॉयलेट, बाथरूम आप लोग को कैसे क्लीनिक सफाई करा जाता है वो आप लोग को इंटरव्यू वो बारे में आप लोग को पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो इतना ही है, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी प्लीज से बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल पर आप लोग को भी देखने को मिलता रहेगा और पूछ रहेगा। और ऑलरेडी अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, ये ली मैं ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस अगर देखना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को सारी नीचे डिस्क्रिप्शन जाके आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।